तो फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूँ। तो आज सभी का यहाँ पर कमेंट इस तरह का आया था कि कई लोग का यहाँ पर सर्वर वर्क कर रहा था, कई लोग का इस तरह का प्रॉब्लम आया कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगने वाला है, कई लोग का ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था कि वहाँ पर कोई ऑप्शन जो ऑनर्स चूज करने का था तो जो ऑनर्स उन सभी का नहीं आ पा रहा था। साथ साथ में यहाँ पर डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ रहा था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगना है, और साथ ही साथ में ये भी प्रॉब्लम आ रहा था कई लोग का कि डॉक्यूमेंट हमको लगाकर क्या क्या जमा करना है। साथ में ये प्रॉब्लम आ रहा था कि मुझे डॉक्यूमेंट को जमा करना है तो उसमें साथ में फ़ोटो लगेगा या नहीं लगेगा, इन सभी का यहाँ पर कई इस तरह का समस्या था। तो इन सभी समस्या का आज इस वीडियो में समाधान मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक कर दिए, चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप सभी का जो भी कमेंट रहता है, जो भी मैं आप सभी को जितना भी सारा कमेंट करते हैं, आप सभी कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ। शायद लोग ही ऐसा हो पाता है मुझसे कि जो मतलब रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ खुद से कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को जितना भी कमेंट आए उन सभी कमेंट का मैं शेयर करने के लिए कोशिश करता हूँ कि आप सभी को कमेंट का जवाब दो। और यहाँ पर मैं अधिक से अधिक कोशिश करता हूँ, आप सभी इतना भी आप गौर करके देख रहे हो, मेरे वीडियो पर देखे होंगे कि जितने भी कमेंट आप सब करते तो सभी कमेंट का मैं जवाब रिप्लाई जरूर देता हूँ, ताकि मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि जितने भी मैं वीडियो बनाऊँ उन सभी में जो भी आप सभी का प्रॉब्लम हो तो उन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूँ। और प्रॉब्लम का अगर सोल्यूशन नहीं हो पाता तो मैं वीडियो लेकर उस पर आ जाऊँ कि ताकि आप सभी को उसमें समस्या नहीं आए और पूरी अच्छी तरीके से आप मन लगा के काम करें और अच्छी तरह से अपना जो भी फॉर्म फिलअप करते हैं पूरी कंप्लीट जानकारी के साथ फॉर्म को फिलअप करें। तो वही पर आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ कि आपको कई लोग ऐसा कमेंट कर रहे थे कि मुझे डॉक्यूमेंट जो जमा करना है तो मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाकर जमा करूँ, और साथ साथ में ये भी प्रॉब्लम आता है कई लोग का पेमेंट कट जा रहा था तो पेमेंट में समस्या आ रहा था, तो पेमेंट को अगर कट जा रहा है तो उसको सोल्यूशन क्या होगा। तो इन सभी का कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हैं डिजिटल जोन रोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में मैं बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट में आपको लगने वाला है फोटो ले लीजिएगा, दो फोटो लेना होगा, और साथ साथ में अपना जो सिग्नेचर तो है ही, आपने खुद से सिग्नेचर वहाँ पर करके जमा कर सकते हैं। जब आपको जमा करना हो तो वहाँ पर सिग्नेचर डिक्लेरेशन मांगेगा, आपको सिग्नेचर करना होगा। एक फॉर्म दिया जाता है कॉलेज की तरफ से ही, और उस फॉर्म का आपको भर कर और जमा करना था साथ में लगाकर। तो आपको जमा करने के लिए साथ में लगाना होगा क्या क्या, तो पहले आप ये ध्यान देंगे, पहले आपको फ़ोटो होना चाहिए आपके पास, मार्कशीट होना चाहिए इंटर का, और मैट्रिक का भी डॉक्यूमेंट ले लीजिए, मैट्रिक का भी मार्कशीट, मैट्रिक इंटर दोनों का डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा। यानी कि मार्कशीट देना है, मैट्रिक का मार्कशीट और इंटर का मार्कशीट, ज़्यादा तो उसमें आपको इंटर का मार्कशीट ही वहाँ पर देना पड़ेगा। तो आपको बेटर रहेगा कि आप मैट्रिक इंटर दोनों ले लीजिए, अगर मांग लीजिए, अगर वहाँ पर अगर जमा करना हो तो समस्या हो जाएगा, इसलिए आप वहाँ पर आधार कार्ड, ट्वेल्थ का मार्कशीट, अगर कास्ट से बिलोंग करते हैं जैसे जाति प्रमाण पत्र, जैसे SC हो गए, ST हो गए, BC1 हो गया, BC2 हो गए, तो इन सभी के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र वहाँ पर देना है, जाति प्रमाण पत्र देना है वहाँ पर, और आवासीय भी ले लीजिएगा, आय भी ले लीजिएगा, तीनों डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा और साथ में लगा दीजिएगा। आधार, पहले मैं फिर से डॉक्यूमेंट के बारे में बता दूँ, पहले जाति, निवास, आय, जो भी जाति निवास आय लगाएंगे आपको करेंट दे दीजिएगा, बेटर रहेगा, सबसे बेटर रहेगा आप करेंट दीजिएगा जाति आवासी, यानी कि आपको वैलिडिटी होना चाहिए, यानी नया बना होना चाहिए। साथ में आधार कार्ड लगाएंगे, जो और ट्वेल्थ का मार्कशीट होगा वो लगा दीजिएगा, साथ में फोटो ले लीजिएगा। इतने सारे डॉक्यूमेंट को आपको जाकर कॉलेज में जमा कर देना, जो आपको पेमेंट का जो रिसिप्ट मिला हुआ, जो आपने अप्लाई करवाया है, अप्लाई कराने के बाद जो रिसिप्ट मिला हुआ उसी रिसिप्ट के साथ में आपको लगाकर आपको जमा कर देना है। अब मैं बताने वाला यहाँ पर पेमेंट के बारे में। तो पेमेंट कई लोगों का ऐसा कट जा रहा था, और पेमेंट कटने के बाद उन सभी का समस्या ये हो रहा था कि वहाँ पर पेमेंट फी का अपडेट वहाँ पर शो नहीं कर रहा था, क्या कि अनपेड वहाँ पर दिखा रहा था, और कई लोग का ऐसा हो रहा था कि पेमेंट कट जा रहा था और सर्वर डाउन हो जाने के बाद से उनका पेमेंट कट गया, लेकिन पेमेंट वापस नहीं आया और उनका पे भी नहीं हो पाया। तो उन सभी के लिए मैं कहना चाहूँगा, जो भी आप सभी ने पेमेंट किया है और पेमेंट इस तरह का कट गया है आपका, अगर सर्वर डाउन की वजह से, तो आप सभी क्या करेंगे, जो उस जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है या तो मेल दिया गया है, उस पर मेल करेंगे और अपना जो भी समस्या है मेल में आप समस्या को लिखेंगे, या तो जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप जाकर बात कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन पा सकते हैं, यही उपाय है उसका। क्योंकि आप में यहाँ पर देखे होंगे, यहाँ पर लॉगिन करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पर इस तरह का आया है, और पेमेंट रिसिप्ट अनपेड है, जो उसको पे करने का वहाँ पर दोबारा से अपडेट करने का ऑप्शन ही नहीं आया है। तो जिनका पेमेंट कट गया है और पेमेंट शो नहीं कर रहा है, सर्वर सही था लेकिन पेमेंट कट गया है पेमेंट करते समय, तो उन सभी के लिए मैं कहना चाहूँगी आप 24 घंटा वेट कर लीजिए। 24 घंटा वेट करने के बाद अगर आपका कंप्लीट पेमेंट नहीं होता है
तो वैसे पहले तो आप कांटेक्ट ही कर लीजिए, वहाँ पर कांटेक्ट करने के बाद आपको 24 घंटा वेट करना है, अगर नहीं हुआ तो फिर आपको दोबारा से पेमेंट करना पड़ेगा। यही थी अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मन में अगर किस तरह का अगर कोई भी रिलेटेड अगर समस्या है प्रॉब्लम अगर ऑनलाइन से तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आप सभी को दोबारा से वीडियो इस तरह का लेकर आऊँ ताकि आप सभी को समस्या नहीं हो पाए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।